आज की इस वीडियो में हम मार्केंसिया के इंटरनल एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे कि मार्केंसिया का इंटरनल एनाटॉमी जो है वह किस तरीके का है। तो अगर मार्केंसिया की बात करें तो मार्केंसिया का इंटरनल एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए हमें इसका VTS सेक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन को लेना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम मार्केंसिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हमने मार्केंसिया के क्लासिफिकेशन, उसके डार्सल व्यू, उसके वेंट्रल व्यू और उसके स्केल और राइजॉइड के बारे में हमने बताया था। तो अगर आप वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से भी उसको जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया है, कि मार्केंसिया के आज की इस वीडियोज में हम उसके एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मार्केंसिया के एनाटॉमी के बारे में बात करें तो सबसे पहले एनाटॉमी को हमें स्टडी करने से पहले उसके हमें VTS सेक्शन को काटना पड़ेगा, कि मार्केंसिया का जो थायलस होगा उसका हमें VTS सेक्शन कट करना पड़ेगा। अगर हम उसका वेंट्रल ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे जब उसके थायलस का मार्केंसिया की, तो हमें तीन लेयर मिलेगी। पहली जो लेयर होगी वह एपिडर्मल लेयर होगी, और दूसरी जो होगी फोटोसिंथेटिक रीजन होगा, और तीसरी जो होगा वह स्टोरेज रीजन होगा। तो चलिए एक एक को थोड़ा हम डिटेल करते हैं। अगर हम इसके एपिडर्मल लेयर की बात करें तो इसका जो एपिडर्मल लेयर होगा वह आउटर मोस्ट लेयर हो जाए, यानी कि ऊपर का जो पोर्शन रहेगा उसे हम लोग आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं, वह एपिडर्मल का रहेगा, जो कि थिन होगा यानी कि पतला होगा, और कम्प्लीटली अरेंज कंटेन ऑफ फ्यू क्लोरोप्लास्ट, जो कि कुछ क्लोरोप्लास्ट को कंटेन किए हुए रहेगा। इसके बाद की इसकी जो अपर लेयर जो रहेगी वह बैरल शेप होगी, यानी कि ढोल के आकार की होगी, और उसमें बहुत सारे एयर पोर पाए जाएंगे जो कि इनिशियली एयर चैम्बर के रूप में ओपन हुए रहेंगे। इसकी जो प्रत्येक पोर रहेंगे, एयर पोर जो हैं, जो प्रत्येक पोर इसके रहेंगे वो एक 4 से लेकर 8 सेल के सुप्रीम पोज्ड सेल जो रहती है उससे ये सराउंडेड हुए रहेंगे, जो एक कंसेंट्रिक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद इसके लोअर एपिडर्मिस की बात करें तो लोअर एपिडर्मिस जो होगी वह वहाँ पर राइजॉइड और स्क्वेल पाए जाएंगे, यानी कि राइजॉइड जो होंगे वो अटैचमेंट ऑफ सबस्टेटम और नरिशमेंट का काम करेंगे, और स्केल जो होंगे वहाँ पर पकड़ को मजबूत करेंगे। तो इसके जहाँ एपिडर्मिस की बात हुई कि इसकी जो एपिडर्मल का जो रीजन है वो उसका कार्य क्या है। इसके बाद अगर इसके हम फोटोसिंथेटिक की रीजन की बात करें कि तो फिगर में भी आप देख रहे हैं इसका फोटोसिंथेटिक रीजन दिखाया गया है, कि जो यहाँ पर जो इसका फोटोसिंथेटिक रीजन है यहाँ पर बहुत सारे एयर पोर पाए जा रहे हैं, एयर पोर हैं, एयर चैम्बर हैं, तो इसको फोटोसिंथेटिक रीजन में यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें क्या है कि बिलो दी अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे फोटोसिंथेटिक चैम्बर पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लेयर पाई जाती है। एयर चैम्बर जो इसके रहते हैं वो पार्सिनाइज्ड बाय 4 to 6 सेल हाइट प्रोपोर्शन वॉल एंड बियर मेनी ब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। इसमें एयर जो चैम्बर रहते हैं वो 4 से 6 हाई पार्टीशन इसमें पाया जाता है, वॉल का पार्टीशन इसमें रहता है, और यहाँ पर बहुत सारे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाए जाते हैं जो कि ब्रांच भी होते हैं, जो कि मिलकर एक क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर चैम्बर डेवलप संजोसली, जो कि यह चैम्बर का फॉर्मेशन करते हैं, और फोटोसिंथेटिक फिलामेंट जो होता है वह एयर चैम्बर के बेस से एराइज होता है। तो ये बात हो गई इसके फोटोसिंथेटिक रीजन के बारे में। इसके बाद अगर इसके अगले चैम्बर अगर हम स्टोरेज रीजन की बात कर लें, कि स्टोरेज जो इसका रीजन रहता है उसका काम क्या होता है। स्टोरेज रीजन में होता क्या है कि यहाँ पर स्टोर ऑफ फूड मटेरियल का स्टोरेज यहाँ पर रहता है। तो बिलो दी फोटोसिंथेटिक रीजन के जस्ट नीचे सेवरल लेयर पाई जाती है, कम्प्लीटली अरेंज थिन वॉल पैरेन्काइमेटस आइसोडेमेट्रिक सेल इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। यानी कि बिलो दी फोटोसिंथेटिक रीजन के जस्ट नीचे कुछ कम्प्लीटली अरेंज थिन वॉल पैरेन्काइमेटस की सेल पाई जाती हैं, जो कि इंटरसेलुलर स्पेस जो रहता है उसमें एब्सेंट रहता है। तो स्टोरेज रीजन जो होता है वहाँ पर जस्ट फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे होती है, और यहाँ पर जो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो रहता है वह कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इट इज़ मोर थिकेंड, या बहुत ज़्यादा मोटी होती है, इन द सेंटर, यह नीचे सेंटर में बहुत ज़्यादा मोटी होती है, एंड ग्रेजुअली टेपर्स टूवर्ड द मार्जिन, और मार्जिन पर टैपरिंग पाई जाती है। दिस सेल ऑफ दिस जोन कंटेन स्टार्च एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। इस सेल की
जो जोन होती है वहाँ पर बहुत सारे स्टार्च और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। सम सेल कंटेन ए सिंगल लार्ज ऑयल बॉडी और फिल्ड विद म्यूसिलेज। कुछ सेल जो रहती है वो सिंगल लार्ज ऑयल बॉडी का फॉर्मेशन करती है जो कि म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करती है जो कि म्यूसिलेज से भरी रहती है। द लोअर मोस्ट सेल लेयर ऑफ द जोन फॉर्म द लोअर एपिडर्मिस। इसकी जो लोअर मोस्ट सेल जो रहती है वह एक लोअर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा सम सेल ऑफ द लोअर एपिडर्मिस एक्सटेंड टू फॉर्म बोथ टाइप ऑफ स्केल एंड्राइजॉइड। इसकी जो सेल्स रहती हैं वह दो तरीके की लोअर एपिडर्मिस को एक्सटेंड करती हुई दोनों तरफ की स्केल और राइजॉइड का फॉर्मेशन करती हैं। तो यह हो गया आज एक छोटी सी वीडियो में हमने आपको इस मार्केंसिया के एनाटॉमी के बारे में बताया। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।